अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल शंकर देने वाले। परण विवाह, गुरुजी लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए, कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष, जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, चार बत्ती का दिया, आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है। और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर, लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11-26 शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्वता। तो क्यों ना करें मंगल वाले, ये कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहे हैं, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा, अरे करो ना, शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन है। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं, माला पाठ जब अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही। शिव महापुराण का उमा खंड पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया, परिक्रमा करते समय हम अपने हाथ में कुछ मनका रखते हैं, हम अपने हाथ में चिरौंजी का दाना रखते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मूंगफली का दाना रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कोई टॉफी रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मिश्री का दाना रख लेते हैं। क्यों? उसका कारण है कि परिक्रमा डायरेक्ट लगाएंगे, लगाते जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, पर परिक्रमा लगाकर जब सामने आए और थोड़ा सा सामान डालेंगे, डालने के लिए रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो दूसरी परिक्रमा का फल मिलेगा। डायरेक्ट लगाए जाए तो कोई फल की प्राप्ति नहीं, कोलू की बेल की तरह चले जा। मेरा एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर करूंगा निवेदन, कि किसी तीर्थ में जब जाएं, काशी में पहुंच रहे हैं, विश्वनाथ की नगरी में जाना है, काशी जा रहे हैं, उज्जैनी जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करना है, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, ओमकार का दर्शन करना है, महाराज
सेलम जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन का दर्शन करना है, केदारनाथ जा रहे हैं, केदारेश्वर का दर्शन करना है। मेरा उनसे निवेदन है, जो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने भी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, जो काशी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, नाथ दरबार जाते हैं उनसे भी कहूंगा कि रात को ट्रेन में बैठे सुबह उतरे, दर्शन कला गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करी और तुरंत ट्रेन में बैठे और भगकर अपने घर आ गए। ऐसे दर्शन से कोई फल नहीं है। कुछ देर जाकर भगवान के पास बैठकर उनसे बात तो करो, विश्वनाथ आपने बुलाया, बहुत दिनों के बाद बुलाया, बाबा बहुत याद आती है आपकी, आप कृपा करा करो, इतना धन इतना वैभव देना मेरे विश्वनाथ कि मैं दर्शन करने आ जाऊं। हे गोवर्धन नाथ, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, बिल्कुल खड़ी परिक्रमा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कहीं बैठूंगा नहीं, चले जा रहे, हांपड़ी भरा रही, बस शरीर थक रहा, पसीना बह रहा, चले जा रहे, चले जा रहे। भगवान खुद बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आ रहे, पानी पी लो, भंडारा खोल रखा है, टेबल पे पूरी सब्जी बट रही, कुछ खा लो, बुला बुला कर कह रहे, हाथ जोड़ जोड़ के खा लो, क्यों? क्योंकि भगवान कह रहा है इसे कोलू की बेल की तरह परिक्रमा मत लगा, मेरे पास आया है, कुछ देर बैठ तो सही। वो याद करिए, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, ना हम उनसे जी भर कर देखे, ना मिले, ना जुले, ना मत करे। हमारे यहाँ कोई मेहमान आया, बहुत दूर से आया और दरवाजे पर आया और 5 मिनट मिला और जी जी कैसी हो, बढ़िया, आनंद है, बस जा रहा हूँ, और वो तो बहुत जाए तो बुरा तो लगेगा, आया का मुंडा दिखाने आया था क्या, थोड़ी देर बैठ तो सारी, पानी तो पी ले, चाय पी ले, मैं बनाऊ, नहीं मैं तो आया नहीं, बुरा तो लगेगा, भगवान को भी बुरा लगता है कि मैंने इतने प्रेम से तुझे निमंत्रण दिया मेरे दरबार में बुलाने के लिए, और मेरे दरबार में मेरे मंदिर में आने के लिए मैं खुद निमंत्रण देता हूं तब कोई आता है। शिव महापुराण की कथा, भगवान का दरवाजा, तीर्थ व्रत, ये सारे जब तक भगवान ना चाहे कोई नहीं करवा सकता, कोई कर नहीं सकता। मैंने निमंत्रण दिया और तू ना, कुछ देर बैठकर उससे निगाहें तो मिलाओ, कुछ देर बैठकर उसके पास जाओ तो सही। सब्सक्राइब करें। कई लोग तीर्थ करने जाते हैं, उनको यही अंदाजा नहीं रहता कि तीर्थ में कौन सा मंदिर कहाँ है, फिर बाद में फोन लगा के पूछते हैं, गुरुजी वो पांडुकेश्वर कहाँ पर है? अरे भैया बद्रीनाथ जाते हैं तो ड्राइवर से बोलो कि पांडुकेश्वर आए तो रोक गाड़ी, रोकेगा, गाड़ी से नीचे उतरो, सामने राइट में देखोगे तो पांडुकेश्वर का मंदिर है थोड़ी नीचे पे, विश्वास रखकर शंकर के द्वार का एक कतरा मात्र भी जीवन का कल्याण कर देता है, क्योंकि उसकी भस्मी में भी करोड़ों का धन छुपा होता है। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहां शंकर निवास कर रहे हैं, जहां शिव रह रहा है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव निवास करते हैं, उस जगह पर एक एक पत्ते पत्ते का भी मोल तत्व का, मोल तत्व का, पत्ते की भी मोल तत्व का, उसको पहचानो, उसको जानिए। केवल मंदिर गए, दर्शन करा, चाट की दुकान पे चाट खा ली, खिलौना की दुकान पे से खिलौना खरीद लिया, दो चार सेल्फी ले ली, फोटो खिंचवा लिया, गाड़ी में बैठे खाना खा के घर चले गए एंजॉय कर कर। मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए थे, दर्शन करने जाते तो एक एक मालूम कर कर जाते कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।